अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के वैदत्थ नाम द्वितीय प्रकरण पर विचार एक विचार जो हमारे मूल मंत्र में क्रांत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा उभय तत्प्रज्ञा सातवां मंत्र आया था उस मंत्र के आधार पर एक वैदत्थ मतलब जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी को वहाँ सूत्र निषेध कर वो निषेध के फलस्वरूप क्या होता है तो पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो जैसे पहले बोल करके आया यहाँ पे ज्ञाते द्वैतम न विद्यत अथवा वैदर्णिक उपनिषद ये कहती है कि यत्र द्वैतम इव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति यत्र तो सर्वमात्मै बाहुः तत्केन कं पश्यति। इस प्रकार बात को दिखाया भेद मतलब जहाँ द्वैत जैसा दिखता है वहाँ पे व्यवहार होता है जहाँ पे द्वैत नहीं है वहाँ पे व्यवहार नहीं होता। आपको कब होगा वो जब आपको पारमार्थिक अधिष्ठान तत्व का ज्ञान हो जाए जैसे कि श्रुति वाक्य मात्र था आगम मात्र होता किंतु केवल मत श्रुति वाक्य के आधार पर जगत के मिथ्यात्व सिद्ध परंतु ये युक्ति के द्वारा अनुभव के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। इसके लिए ये वैदत्थ प्रकरण शुरू किया पहले जिस दृष्टांत के द्वारा हम जगत मिथ्यात्व को समझाना चाहते हैं उस दृष्टांत को क्यों मिलता है और क्यों बोलता है उसका अच्छी तरह से समझा। हम जगत मिथ्यात्व को दिखाने के लिए जिस दृष्टांत को सहार उसको समझाना चाहिए दृष्टांत हमारे मन में ठीक से बैठ जाना चाहिए। तो दृष्टांत किसको पकड़ा स्वप्नदृष्ट वस्तु अरे स्वप्नदृष्ट वस्तु सभी वादियों के सिद्धांत कौन से मिथ्या है कोई वादी नहीं कहते कि स्वप्न पास स्वप्न वस्तु शुद्ध होता है। अब उसी में क्यों मिथ्या कहते हो तुम तो बोलते हैं कि वो अंतस्थानात्व भावानाम संवितत्ते नहीं तो वो क्या होता है जहाँ पे जो वस्तु होना संभव नहीं है उस स्थान में वो दिखाई देता है इसलिए उसका मिथ्या होता है। केवल इतना ही नहीं जितना काल में पूरा घटना घटता है वो काल भी वहाँ पे नहीं अधिर्घत्वाच काल से तत्वादेशान न पश्य तो वहाँ पे जाकर के वो वहाँ पे नहीं देखता वहीं पे पड़ा हुआ है। प्रतिबुद्धश्च वैसर्गम तस्मिन्देशना भी जगत और क्या है आप जगने के बाद यदि आपने सोकर के सपना देख रहे हैं मैं हरिद्वार हरिपुर में नहा रहा हूँ परंतु जगने के बाद हमको अपने को रिश्ता नहीं मिलते हैं जगने पर हमें को हरिद्वार नहीं मिलता केवल इतना ही नहीं स्वप्न में हम जो लोगों के साथ मिला बात किया उनसे भी अगर पूछता हूँ कल रात को तुमसे मिला था कि नहीं वो एग्री नहीं करते होते नहीं नहीं कहाँ मिले थे उसको उसी का स्वप्न नहीं देखा। इस कारण से स्वप्न पारमार्थिक वस्तु नहीं है कि सभी वादी मतलब मतलब अनुचित काल अनुचित देश अनुचित व्यवहार ये सब होने के कारण वहाँ पर जो है सत्यत्व नहीं है ऐसा निश्चय वृहदारण्यक उपनिषद में एक ज्योतिर्ब्राह्मण है उस ज्योतिर्ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण है उस ब्राह्मण में आत्मा स्वयं प्रकाश ज्योति रूप ये दिखाने के लिए वहाँ पे पहले शुरू किया था कि ये पुरुष जागृत काल में किस ज्योति से व्यवहार करता है तब यज्ञोपल को ऋषि उत्तर देते हैं सूर्य ज्योति चंद्र ज्योति विद्युत ज्योति अग्नि ज्योति के सब हो सकता है। तो मान लो जिस समय सूर्य चंद्र ज्योति नहीं है तब क्या करते हैं बोलते अग्नि को जला करके काम करते हैं यदि अग्नि नहीं है तब कैसे काम करते हैं तब इंद्रिय ज्योति की तरह काम करते हैं जब इंद्रिय भी काम नहीं करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं तो हमारे बुद्धियों की ज्योति से काम कर रहे हैं इस समय बुद्धि काम कर रही है तो किस ज्योति से आठ प्रकार से एक सौ अधिक ज्योतिष हनुमान अहन में रात्रो प्रदीपादि कम शायद एवं रवि रवि दीप दर्शन विधो किम ज्योति राखन के बुद्धि तत्र तद दर्शन है कि तत्र अहम तदेक परम ज्योति कम अस्ति वो जो बुद्धि को भी देखने वाला जो परम तत्व है वो तुम हम तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ज्योतिर्ब्रह्म ने समझाया व्यक्ति जिस ज्योति से व्यवहार करता है व्यवहार करने वाला व्यक्ति और ज्योति भिन्न होता है
ये समझ में आता है। जब हम सूर्य प्रकाश के काम करते हैं तो मैं सूर्य प्रकाश से भिन्न हूँ। इसी प्रकार चंद्रमा के प्रकाश, विद्युत के प्रकाश, अग्नि के प्रकाश, इंद्रियों के प्रकाश। मान लीजिए जिस समय आप जागृत में सुषुप्ति अवस्था में गए अथवा आपने ध्यान लगाया, इस समय सारा इंद्रियों को आपने बंद करके केवल उस समय किस प्रकार से आप देख रहे हैं, वो आत्मा का प्रकाश है। और इस आत्मा का प्रकाश, आत्मा स्वयं रात में आपने सोया, भक्ति बंद करके सोया, और परंतु आपको सूर्य चंद्र आदि दिखाई दे रहे हैं आपको। अब यदि सूर्य चंद्र आदि वस्तु वहां पर सच होता तो आत्मा के स्वयं प्रकाश तो सिद्ध नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो वस्तु हमको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो वस्तु में से कोई भी एक पारमार्थिक वस्तु वहाँ पे हो जाए तो आत्मा के स्वयं प्रकाश सिद्ध ही नहीं होगा। ये सूत्र अर्थापत्ति है, मतलब दृष्ट वस्तु मिथ्या हुए बिना आत्मा के स्वयं प्रकाश तो सिद्ध नहीं होता। अब जिस प्रकरण में जो बात आया उसको यदि हम किसी दूसरी जगह पर लगाते हैं तो उससे आत्मा की, यद्यपि यहाँ पे प्रकरण क्या चल रहा है, विषय चल रहे हैं यहाँ पे सात्विक वस्तु मिथ्या होता है ये सिद्ध करने के लिए। अब हम रिकमांडू को कारिका का एक ज्योतिर्ब्राह्मण की एक पंक्ति उद्धृत करके दिया है, शंका तुरंत पकड़ेंगे गर्दन की, आप वहाँ पे तो आत्मा की स्वयं प्रकाश को सिद्ध करने के लिए उसको इसको उद्धृत किया है, आप यहाँ पे जो मतलब स्वप्न के मिथ्यात्व के लिए कैसे कह दें, बोलते हैं। तब उत्तर हमारे पास यही है, स्वाप्निक वस्तु मिथ्या हुए बिना आत्मा की स्वयं प्रकाश तो सिद्ध नहीं हो सकता, ये यहाँ पे लॉजिक है। इसको मन में रखते हुए देखिए, कल हमने इस श्लोक को पढ़ लिए थे, दोबारा पढ़ते हैं इसको। श्लोक नंबर 3-2 तक हो गया था हमारा, 3 नंबर श्लोक ठीक है ना, कि यहाँ पे टीकाकार उद्धृत के मैंने जोड़ने के लिए स्वप्न दृश्यानाम भावानाम मिथ्यात्व हेतुअंतर, स्वप्न में दिखाई दे रहे विद्यमान वस्तु मिथ्यात्व में एक और हेतु को कह रहे हैं, श्रुति वाक्य को सारे यहाँ अभावश्च वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्ने आहू प्रकाशितम्। तो नया पुस्तक हो सकता है स्वप्न लिखा हुआ नहीं हो, यहाँ पे नहीं है, वो लिख लेना पड़ेगा। आहू का पहले, आहू आहू से पहले स्वप्न आहू मनीष नवकरण के नियम से हम तो स्वप्न ही पढ़ेंगे, परंतु है वहाँ पे स्वप्न ही शब्द नहीं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, वहाँ पे कि न्यायपूर्वक अभावश्य रथादीनाम श्रूयते, है ना, कि वहाँ पे न तत्र रथ न रथ योगान पंथान मथ रथ रथ योगान पंथानम सिज्यते सही करता, ऐसा प्रकार से बात करता है श्रुति। वहाँ पे रथादि का अभाव कहती है, ठीक है ना, किसी भी वस्तु वहाँ पे पारमार्थिक नहीं है परंतु प्रचिति होती है। इससे न्यायपूर्वकम प्रकाशितम, युक्ति के सार ये प्रकाशित होता है, क्या होता है कि सापनिक वस्तु सत्य नहीं होता। वैतत्थम तेन वे प्राप्त, स्वप्ने वैतत्थम तेन वे प्राप्त इति आहू, आहू यहाँ पे ब्रह्मविद होंगे। वहाँ पे तो पहले बोला था प्रमाण कुशलिन मनीष न बोला था, परंतु इस प्रकार से जो आत्मा की स्वयं प्रकाशता के बारे में कथन तो केवल प्रमाण कुशल लोग नहीं कह सकते, ब्रह्मवेत्ता पुरुष कह सकते। इसलिए देखिए अभावश्च रथादीना श्रूयते, मतलब श्रुति वाक्य में स्वप्न काल में रथ रथ फिर घोड़ा फिर घोड़ा के चलाने वाला मार्ग सभी वहाँ पर सब अभाव है, ऐसा श्रुति कहती है। इससे क्या होता है, न्यायपूर्वकम वैतथ्य वैतत्वम तेन वे प्राप्तम, स्वप्न सात्विक वस्तु वैतथ्य न्यायपूर्वक मतलब यहाँ पे विचार करने के लिए प्राप्त होता है। आहु प्रकाशित मतलब ये वहाँ पे वो वस्तु नहीं है, प्रकाशित हमको टिप्पणी दिया हुआ है तेन वे प्राप्तम, दो मूल में ही दो टिप्पणी है, एक और दो है ना। एक नंबर देखिए तेन बा तेन वही यहाँ पे बा यहाँ पे बा लिख दिया, ऊपर तो वही लिखा हुआ है राम जी, जी गड़बड़ तो नहीं कर दिया, टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी में लिखा है तेन बा इति, और ऊपर मूल में तो क्या लिखा है तेन वही, क्या करेंगे संशोधन करके नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इसको संशोधन, क्योंकि वहाँ पे वही को यहाँ पे इति है ना आगे, तो यहाँ पे वही को आय हो गया, आय हो गया, आय होता नहीं जाता क्या लोग, इसीलिए हमें बा दिखाई दे रहा है कार का लोक हो गया। अधिकतर आपको ना लोक सापल्य में लोग भी अधिक दिखाई पड़ता है,
ठीक है ना, वही को यहाँ पे बाद मतलब वही को इच्छा वगैरह अपना था, फिर लोग कुछ आपको बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पे संशोधन नहीं है। इति वा इति न्याय न इस युक्ति के द्वारा ही, मतलब अदीर्घ तत्काल अयथार्थ उपदेश ये सब युक्ति के द्वारा, योग को काल की अभाव, दूसरे आदमी की स्मृति की अभाव, योग को देश की अभाव, और जिसमें क्या है ये संवादी प्रमाण की अभाव, स्वप्न देखा तो उसको पुष्ट करने के लिए हो सकते हैं, कोई आपको दूसरा प्रमाण नहीं मिलता। ये चार कारण से क्या होगा, पहला और मतलब और अनुचित देश, अनुचित काल, और क्या होगा कि जो आपका जो दूसरे आदमी के से द्वारा प्रमाणित करना, अथवा क्या होगा संवादी प्रमाण के अभाव, मतलब सब आपको कोई बोले कि हाँ हाँ आप मिला था आपको, ऐसा नहीं मिलता है, और दूसरे कोई प्रमाण भी आपको नहीं मिलता है कि हाँ सापने एक वस्तु सत्य है, किसी भी प्रमाण के द्वारा, जिस प्रमाण क्या क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति और आपका आगम और अनुपलब्धि, जहाँ पे हम तीन प्रमाण मानते हैं तो अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में जोड़ देते हैं, और वहाँ पे अर्थापत्ति और आपका जो है क्या बोला हमने अनुमान उपमान, अर्थापत्ति और उपमान को अनुमान में जोड़ देते हैं, और आगम तीन प्रमाण कहीं कहीं जो है कम चीज का, परंतु अभाव और प्रत्यक्ष एक नहीं है, पांच प्रमाण और छह प्रमाण वेदांति मानते छह प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति आगम और अनुपलब्धि, छह प्रमाण मानते हैं। अब जहाँ पे कुछ लोग इसको संक्षिप्त तो कर देते हैं, आपको यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है तो कैसे पता लगा आई घर पर हो गई, क्या घरा की प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से घरा की उपलब्धि हो रहे हैं, हाँ अनुपलब्धि, इसलिए वेदांत। अब सामान्य व्यक्ति नहीं समझेगी तो ठीक है, उसके चलिए तीन प्रमाण मानते हैं, वो लोग अनुपलब्धि भी प्रत्यक्ष मानते हैं, लड़ाई नहीं करता, चलो यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको अधिष्ठान, घरा नहीं दिखाई दे, वो घरा तो आपका अंदर विद्यमान है, उसके अनुभव से आप बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार से जो अर्थापत्ति और जो आपका उपमान प्रमाण का अनुमान में जोड़ देते हैं, परंतु वो भी पूरा ठीक नहीं है, और आगम प्रमाण तीन प्रमाण मानने वाले भी हैं, किसी भी प्रमाण के द्वारा आप सात्विक वस्तु सत्य ये नहीं सिद्ध कर सकते, ये होगा अन्य प्रमाण की अभाव। अच्छा दूसरी बात क्या है कि संवादी प्रमाण आपके पास क्या है, कोई जिस वस्तु के हमने मिला था वो कोई व्यक्ति भी हमको उठ करके नहीं बोलते, हाँ कान भेजते, इस कारण से जो सामने वस्तु भेद था होता है, इसलिए आप बोलता है कि यहाँ पे बोला ना तेनोबाई थी न्याय न एवं इस युक्ति के आधार पर ही, इस युक्ति के आधार पर अनुचित देश अनुचित काल दूसरा कोई प्रमाण की अभाव और कोई पुष्ट करने का संवादी कोई व्यक्ति भी हमको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, इस कारण से भगवान भास्कर बोला ना उस देश में आप जहाँ पे स्वे वहाँ पे तो आप उठते नहीं है, आप कोई प्रमाण वहाँ पे नहीं है, जिस व्यक्ति से मिले वो व्यक्ति भी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आता कि हाँ कल मिला था, इसलिए जो है ये सब मिथ्या इस युक्ति को यहाँ पे लगा करके देना वही तथ्य तेना वही प्राप्तम, और यहाँ पे अंतिम दृष्टि में प्रकाशितम, प्रकाशितम मतलब किसके द्वारा श्रुत्या, श्रुति के द्वारा ये प्रकाशित किया गया क्या कि वहाँ पे सापनिक वस्तु सत्य नहीं है, जनता की श्रुति के प्रकरण वहाँ पे बहुत सावधानी से, नहीं तो हम कहीं पे बस शब्द उठा के कहीं पे रख देने से वो सिद्ध नहीं होता, वो तुरंत जो है प्रमाण कुशल लोग पकड़ लेंगे गर्दन, वहाँ पे आत्मा की स्वयं प्रकाशन तो सिद्ध करने के लिए वो प्रकरण है स्वयं ज्योति, आप उसको स्वप्न मिथ्या तो मैं कैसे लगा लूँ, तब हमारे पास अर्थापत्ति पर बोलेंगे यहाँ पे वो है यहाँ पे कि यदि वहाँ पे सापनिक वस्तु मिथ्या नहीं होता तो आपको आत्मा की स्वयं प्रकाशन तो सिद्ध होगी, सूर्य की यदि वहाँ पे दिन के समय मैं रात में सो रहा दिन के समय दिन के अलग अलग प्रकाश दिखाई दे रहे हैं, अब वहाँ पे जो दिन के समय सूर्य दिखाई पड़ता है यदि वो सत्य हो तो आत्मा के प्रकाश सिद्ध ही नहीं, आत्मा के प्रकाश सिद्ध ही नहीं हो, आत्मा के प्रकाश से सूर्य चंद्र सब कुछ व्यवहार कर पा रहा है ये वही सप्तम में आकर स्पष्ट समझ में आता है, इसीलिए बोल रहे हैं प्रकाशित सूर्य के द्वारा इसको मतलब प्रकाशित किया गया है। अच्छा अब जो है पहले तो भाष्य तो छोटा सा है परंतु यह भाष्य पढ़ के फिर टीका में आएंगे, इतस्य भाष्य में इतस्य मतलब इस कारण से भी इतस्य और इस कारण से भी स्वप्न दृश्य भावा वितथा, स्वप्न में दिखाई दे रहा जितना वस्तु है वो यथार्थ नहीं असत्य नहीं है, स्वप्न दृश्य भावा वितथा इस कारण से भी है ना, स्वप्न में दिखाई दिया जो भी भाव वस्तु है वो कोई पारमार्थिक नहीं है, वहाँ भी तीन नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, स्वप्न दृश्य इत्यादि स्वप्न भावा वितथा
स्व अभाववती प्रतीयमानत्वात् रज्जु सर्पादिवत् इति अनुमानम अत्र सूचितम बद्धम। देखिए एक छोटा शब्द भगवान भाष्यकार प्रयोग किया, प्रतिज्ञा मात्र केवल दिया, स्वप्नदृश्य भावा भी तथा, ये प्रतिज्ञा मात्र है, हेतु नहीं दिया वहाँ पे। स्वप्नदृश्य भावा भी तथा, स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो पदार्थ तो पारमार्थिक सत्य नहीं है, इसके द्वारा एक अनुमान प्रतिज्ञा अनुमान के द्वारा यहाँ पे दिखाना चाहता है। क्या दिखाया? स्वप्न भावा भी तथा, ठीक है ना, स्वप्न भावा भी तथा योग्य आपका प्रतिज्ञा, मतलब पक्ष और साथ एक साथ बोल दिया, पक्ष स्वप्न भाव, स्वप्न भाव, स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो भाव है ना, अनप्रत्यत अधित हो गया, स्वप्न संबंधित जो भाव वस्तु है वो भी तथा वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ये तो आप ध्यान देना, स्व अभाव बने प्रतिमान का जहाँ पे उसका अभाव है वहीं पर दिखाई देने के कारण, स्व मतलब अपनी अभाववती जिस स्थान में अभाव वाले स्थान पे अपने अभाव वाले स्थान पे दिखाई देने के कारण, क्योंकि नाड़ी में ये सब होना संभव ही नहीं है, तो नाड़ी में शरीर में अंदर पहाड़ नदी आदि होना संभव नहीं है। स्व अभाव ठीक से आना है ना पढ़ने में, स्व अभाववती प्रतीयमान मतलब अपने अभाव वाले स्थान पे प्रतीति होने के कारण ये हो गया है। तो कौन है वो? स्वप्न स्वप्न भावा, स्वप्न भावा अपने अभाव वाले स्थान में जो वस्तु जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दिखाई दे, अथवा जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे निषेध हो जाए तो उसका मिथ्या बोलते हैं, तथा बोलते हैं बोलते हैं स्वप्न भावा ही हो प्रतिज्ञा, उसके लिए हेतु दिया स्व अभाववती प्रतीयमानत्व, ठीक है ना, जहाँ पे शरीर के अंदर आपको अथवा कमरे के अंदर पहाड़ आदि होना संभव नहीं है परंतु वहीं पे दिखाई देने के कारण उस अपने भावा कहता है पारमार्थिक सत्य नहीं है। दृष्टांत तो क्या देखो, रज्जु सर्पादिवत, ठीक है ना, रज्जु में दिखाई दे रहा है सर्प के समान, सुप्तिका में आदि से क्या लेंगे, सुप्तिका में दिखाई दे रहा है चांदी के समान, बड़ी भूमि में दिखाई दे रहा है पानी के समान, रस्ते में दिखाई दे रहा है काठून पेड़ के समान, जैसा वहाँ पे भ्रांति स्तर, कोई भी भ्रांति स्तर को आप ले लीजिए, वहाँ पे क्या जहाँ पे जो वस्तु नहीं है वहाँ पे वो दिखाई जो वो दिखाई देता है उसको अमित्ता बोलते हैं, क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा है वस्तु उस अधिष्ठान के ज्ञान से मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे बोला ये हम भगवान भाष्यकार का अभिप्राय है, स्वप्न भावा भी तथा, स्वप्न भावा पक्ष भी तथा हो गया शब्द, स्व अभाववती प्रतीयमानत्वात् ये हो गया हेतु, और रज्जु सर्पादिवत् ये हो गया आपका दृष्टांत, ठीक है, पूरा अनुमान में ये दिखाई कि अभी अनुमान मात्र सूचित, मतलब यहाँ पे इस अनुमान को दिखाया गया है ये समझना चाहिए। आप देखिए अनुमान सही है कि नहीं है, करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दृष्टांत में हेतु और शब्द है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। दृष्टांत तो क्या दिया, रज्जु सर्पादिवत, ठीक है ना, वहाँ पे हेतु क्या है, स्व अभाववती प्रतीयमान, रज्जु में कभी भी सर्प है नहीं, अपने अभाव के स्थान सर्प के अभाव स्थान जो रज्जु, उस रज्जु में वो सर्प दिखाई दे रहा, ठीक है ना, इसलिए क्या है वो मिथ्या है, ठीक है ना, यानी दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य दोनों बैठ गए। अब आपने यहाँ पे आ जाइए कहाँ, स्वाप्निक वस्तु में स्वप्न भावा पक्ष, पक्ष में हेतु बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हेतु क्या है, स्व अभाववती प्रतिमानत्व, कमरे के अंदर, कमरे का अंदर अपने शरीर को छो, कमरे के अंदर आपने बत्ती बुत्ती बंद करके सोया, वहाँ पे पहाड़ पहले से विद्यमान है कि नहीं, कमरे के अंदर का नहीं है पर किंतु वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो स्व अभाववती अब पहाड़ों अब पहाड़ हाथी आदि के अभाव वाले स्थान जो कमरा है वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस कारण से नहीं दिखता है। इस प्रकार जिस रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का अभाव रज्जु में दिखाई पड़ता है, मतलब रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है तो उसका अभाव वहाँ पे है नहीं है फिर भी प्रतीति होता है, इसलिए वस्तु मिथ्या होती है। इसलिए वहाँ पे एक परिभाषा है कि प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगिता मिथ्या, कोई एक अधिष्ठान में जहाँ पे वहाँ वस्तु नहीं है वहाँ प्रतीति हो रहा है, तीनों काल में उसका निषेध जहाँ जिस वस्तु का हो जाता है उसका मिथ्या को बोलते हैं, सदसद विलक्षणत्व मिथ्यात्व ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, एक प्रकार परिभाषा तीन मुख्य है। तो ये एक एक छोटा सा पंक्ति है, स्वप्न दृश्य भावा भी तथा, ठीक है ना, उसके अंदर इतना अनुमान छुपा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे वो नहीं है वहाँ पे दिखाई देने के कारण, या तो अभाव आपने कैसे निर्णय किया, बोलता है कि हमने तो पहले युक्ति आपको दे दिया, चार युक्ति ध्यान रखना, क्या अनुचित देश, अनुचित काल, संवाद कोई प्रमाण और कोई सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं मिलता कोई प्रमाणांतर से, मतलब अनुमान स्वप्निक वस्तु सत्य है कोई प्रमाण से भी नहीं जाना जाता, और आपको पुष्ट करने के लिए कोई व्यक्ति आगम वाक्य भी नहीं आता आपके पास, कोई आपको सब जो दोस्त आने कोई आपको जहाँ पे मैंने कहा था अपना अनुभव तो यही है। ये चार कारण से स्वप्निक भावा मिथ्या होता है, जत अभावश्य एव, क्योंकि ये जो है
ये अभाव ही एव का लगा करके बोलते हैं, अभावश्च एव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां श्रूयते, ठीक है ना। अभावश्च ये श्रूयते किसको रेफर कर, रेफर करेगा, श्रूयते मतलब सुना जाता है, क्या सुना जाता है, अभाव, अभाव रथादि वस्तु का विषय, अभाव पैसिव ना, अभाव का मतलब सब किसका अभाव कि स्वप्न दृश्यानाम रथादीनाम, स्वप्न में दिखाई दे रहे रथ आदियों का अभाव श्रूयते कुत्र श्रुतौ, श्रुति में ऐसा श्रुति वाक्य प्रमाण के आधार पर, श्रुति वाक्य प्रमाण का यतश्च अभावश्च एव रथादीनाम स्वप्न दृश्यानाम श्रूयते। न्याय पूर्वक क्यों बोला भगवान भाष्यकार, बोलते वो प्रकरण जो है श्रुति मतलब स्वप्न वस्तु मिथ्या है उसको लेकर के वो प्रकरण नहीं आया, परंतु वहाँ पे श्रुत अर्थापत्ति के न्यायपूर्वक श्रुत अर्थापत्ति के बल पर हम उसको निर्णय करते हैं, न्यायपूर्वक हम मतलब युक्ति तह युक्ति के आधार पर हम निर्णय करते हैं। श्रुतो ही जो कहाँ बोला गया श्रुतो तुम सब किस वाक्यों के द्वारा न तथ न रथो योग, देखिए टीकाकार इस वाक्य को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया, टीका में फर्स्ट लाइन में देखिए राइट साइड में, न तत्र रथान रथ योगान पंथानो भवन्ति अथ रथ रथ योगान पंथानम सृजते स ही कर्ता, इस प्रकार वाक्य वहाँ पे ये बृहदारण्यक को 4-3-10 नंबर दिया है, 4-3-10 बृहदारण्यक इति अत्र वहाँ पे ऐसा कहा गया, इसके अभाव को कहा गया है। तेन इस कारण से, तेन मतलब इस कारण से, क्योंकि श्रुति वाक्य हमारे पक्ष में, स्वप्नों स्वाप्निक वस्तु मिथ्या होता है इस विषय में हमारे पक्ष में तो श्रुति प्रमाण है, सबका अनुभव प्रमाण तो ही है, उसके साथ श्रुति प्रमाण भी है पुष्ट करने के लिए, परंतु तुम्हारे पक्ष में स्वाप्निक वस्तु सत्य होता है इस विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए बोलते हैं तेन अंतस्थान समृताब्दि समृतत्वादि, इस कारण से वहाँ पे अंतस्थानत्व भावान समृतत्व हेतु ना, जो पहला में बोला था आदि से क्या लेंगे कि योग्य काल के अभाव, फिर दूसरे आदमी की स्मृति की अभाव, योग देश की अभाव और संवादी प्रमाण की अभाव, ये चार से आदि आदि के द्वारा ये चार ग्रहण हो जाएगा, ठीक है ना। दुष्कुचित काल की अभाव, चित देश की अभाव, फिर हो गया संवादी प्रमाण की अभाव, और कोई सपोर्टर भी नहीं मिलता आपको मदद करने वाला कोई भी नहीं मिलता, इसलिए बोलता है संवादी प्रमाण के अभाव, दूसरे आदमी की स्मृति की अभाव, कोई नोट करके नहीं बोलता आपको कहने में तुम्हारे साथ मिला था, इसलिए आदि के द्वारा ये सब ग्रहण हो जाएगा, कि समृद्धत्वादि हेतुना हेतु से प्राप्तम प्राप्त होता है, किम प्राप्तम वैतथम वितथम मन वितथस्य भाव वैतथम तद अनुवादिन्याश्रुत्या। अब देखिए एक चीज और भी, सात्विक वस्तु मिथ्या होता है इसके लिए आपको श्रुति प्रमाण का आधार लेना पड़ेगा क्या, स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु, जो व्यक्ति कभी जिंदगी भर में शास्त्र नहीं पढ़ा जिंदगी भर में, वो क्या कहेगा कि सात्विक वस्तु सत्य है, कहेगा कोई भी नहीं। अब मतलब क्या है, सामान्य व्यक्ति को भी जो अपने अनुभव से अपने प्रमाण के बल पर जानता है स्वप्न मिलता है, यदि उस वाक्य को श्रुति कहती है तो क्या हो जाएगा, वो अनुवादी श्रुति, ये श्रुति का दो भाग है, देखो हम अपने से निर्णय नहीं किया, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, एक अनुवाद भाग है और एक प्रतिपाद्य भाग है। अनुवाद भाग क्या है, जो हमको दूसरा प्रमाण से दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है, यदि उस वाक्य को श्रुति कहती है तो क्या हो जाएगा, वो तो अनुवाद भाग हुआ, और यदि जो चीज का और दूसरा किसी भी प्रमाण से हमको नहीं समझ में आ रहा है अश्रुति कहते हैं वो हो गया प्रतिपाद्य भाग, तभी प्रमाण का प्रमेय प्रमाणत्व तो सिद्ध होता है। प्रत्येक प्रमाण का प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं, प्रत्येक प्रमाण का प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं, आँख के द्वारा आप शब्द नहीं सुनते, शब्द के द्वारा आप रूप नहीं देख सकते, कान के द्वारा रूप नहीं देख सकते, इसी प्रकार श्रुति भी एक प्रमाण है, आगम एक प्रमाण है, उस प्रमाण का भी प्रमेय वस्तु अन्य प्रमाण से भिन्न होगा, वो प्रमेय वस्तु क्या है जिसके दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, यद्यपि आत्मा भी उस श्रुति प्रमाण गण में नहीं है, फिर भी कुछ श्रुति वाक्य मानते हैं, श्रुति वाक्य के द्वारा हम इस एकत्व आत्मा ने एकत्व बोध किया श्रुति वाक्य से उत्पन्न, ठीक है ना। इसलिए बोलते तद अनुवादिन्या श्रुति में प्रातिपादिक है अनुवादिनी, है ना, अनुवादिनी प्रातिपादिक है अनुवादिन, और उसका स्त्रीलिंग श्रुति है तो प्रातिपदिक वर्ण पड़ेगा अनुवादिनी अनुवादिन, अनुवादिक प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में डीप लगा कर वहाँ पे क्या हो जाता है अनुवादिनी, उसका तृतीय एक वचन अनुवादिन्या अनुवादिन्या श्रुत, अनुवाद करती हुई श्रुति के द्वारा ये कहा गया है कि स्वप्न मिथ्या वैतथम स्वप्न स्वप्ने वैतथम, यहाँ पे मूल में आया था स्वयं ज्योतिषम
ज्योतिष प्रतिपादन पराया प्रकाशितम आहु ब्रह्म विदय। ध्यान रखना इस ये बात सभी एक व्यक्ति नहीं बोलेंगे। क्या पहले बोले थे मनीषण, मनीषण शब्द का अर्थ करते प्रमाण कुशला। और यहाँ पे अहू का कर्ता भगवान भाष्यकर बोल रहे हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। ये व्यक्ति ये वस्तु सभी मतलब सबका अनुभव में नहीं आता, कोई ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही आत्मा स्वयं प्रकाश है ऐसा बोलने के। अब कौन निर्णय कर रहा था वहाँ पे यज्ञवल्क ऋषि, क्योंकि पूछा था कि ये पुरुष जागृत काल में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। इस पर फिर एक के बाद एक पीछा जाता गया, जिस समय सूर्य ज्योति नहीं है, जिस समय चंद्र ज्योति नहीं है, जिसमें अग्नि ज्योति नहीं है, जिसमें इंद्रिय ज्योति नहीं है, फिर किस ज्योति से व्यवहार करते हैं। यानी कि बाहरी प्रकाश नहीं है, इंद्रिय मन बुद्धि व्यवहार नहीं कर रहे हैं, फिर उस समय भी आप व्यवहार करते हो वो किस प्रकार से, कौन कौन सा स्थान ये होगा जिस समय आप ध्यान करते अथवा बैठ करके आप अपने सुषुप्ति अवस्था में जाना चाहते हैं। उस समय शरीर से कोई व्यापार नहीं हो रहे, इंद्रियों को आपने बंद कर लिया, आँख बंद कर लिया, कोई दरवाजा बंद, किसी का कोई आवाज़ सुनना नहीं, कुछ आप बैठ करके अपने शरीर को। इस समय जब बाहरी कोई प्रकाश काम नहीं कर, सूर्य प्रकाश नहीं है, चंद्र प्रकाश नहीं है, विद्युत प्रकाश नहीं है, अग्नि प्रकाश नहीं है, इंद्रियों को भी आपने विद्रोह कर लिया, इस समय आपका अंदर जो मन एकाग्र हो रहा है अथवा आप अपनी अभिष्ट वस्तु ये किस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपकी मनोवृत्ति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी पहले मैंने क्या बताया, जिस प्रकाश से व्यक्ति व्यवहार करता है वो प्रकाश और व्यवहारिक व्यक्ति अलग होता है, एक नहीं हो सकता। यानी कि मन बुद्धि की स्थिरता एकाग्रता इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो स्थिर नहीं है, और उसी के प्रकाश से वो स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश क्या करते हैं, मनोवृत्ति को प्रकाश करते हैं, अपने भी प्रकाश करते हैं। ये ज्योतिर्ब्राह्मण का अभिप्राय है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्वयं ज्योतिष देखिए भाष्यकार का पूरा ध्यान है कि वो प्रकरण स्वयं ज्योतिष का प्रकरण है, वहाँ पे स्वप्न मिथ्यात्व का प्रकरण नहीं है वहाँ पे, परंतु न्यायपूर्वक वहाँ पे क्या है कि आप स्वप्निक वस्तु मिथ्या हुए बिना आत्मा स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे इस प्रकार ये न्यायवादी स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन प्रकाशित प्रकाशित है आहु, इस प्रकार बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं, ब्रह्मविद है ना, ब्रह्म यज्ञवल्क ऋषि वहाँ पर इस चीज़ को प्रतिपादन करके ब्रह्मवेत्ता पुरुष आत्मा स्वयं प्रकाशित को कहते हैं। भाष्य तो छोटा है, हम तो टीकाकार इसको समझाएंगे पूरा अच्छी तरह से। अब देखिए टीका में बोलते हैं, न तत्थान रथ योगा न पंथानो भवंती इत्यादि श्रुत्या स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्टम आत्मनो दर्शयन्त्या तत्र दृश्यानां रथादीनां अभावो यज्ञ योग्य देशादि अभाव द्योतक न्याय पुरस्सर श्रूयते। ठीक है, एक साथ कितना लंबा था ये तो श्रुति वाक्य है। न तत्र रथा मतलब स्वप्न, तत्र मतलब स्वप्न काल में, स्वप्न स्थान में व्यक्ति में वहाँ पे रथ नहीं है, और न रथ योगा रथ में जोड़ने वाला जो घोड़ा वो भी नहीं है, न पंथा न मार्ग भी नहीं है, वहाँ रथ नहीं है, रथ चलाने के लिए ड्राइवर अथवा घोड़ा कुछ भी नहीं है, मार्ग भी नहीं है कमरे का, परंतु वहाँ पे क्या होता है रथ, रथ में जोड़ दिया घोड़ा और मार्ग, उसके ऊपर दौड़ है, उसके ऊपर दौड़ है। जब न रथ न रथ योगा न पंथा न भवंती इत्यादि श्रुत्या इस प्रकार श्रुति बात को देता है। यहाँ पे एक चीज है टिप्पणी का बहुत सुंदर मार्ग किया श्रुत्या, और इधर देखिए स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्टम आत्मनो दर्शयन्त्याम। यहाँ पे श्रुत्या में कौन सा विभक्ति वचन है, तृतीय एक वचन, और दर्शयन्त्याम में सप्तमी एक वचन। अब अन्वय तो श्रुति के साथ दर्श दिखलाती हुई श्रुति, दिखलाती हुई श्रुति में देखो टिप्पणी का चार नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं कि श्रुत्या इति श्रुत्याम दर्शयन्तम इति सप्तमी सप्तमी अंत साधियान। करने वाला तो समझ जाएंगे, परंतु साधियान मतलब अधिक अच्छा होता है, अधिक साधु था साधियस बनते विषय अधिक अच्छा होता है, यदि यहाँ पे तो आसान हो जाता है, क्योंकि जिसका साथ इसका अन्न है। देखिए कितना सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, एक जगह पे जिसका साथ जिसका अन्न है वहाँ पे विभूति और वचन एक होना चाहिए था, अथवा हो सकता है वहाँ पे कि इति श्रुत्याम दर्शयन्तम श्रुत्याम वहाँ पे बिंदु छूट गया होगा, ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ था
प्रिंटिंग होते समय उसको ध्यान नहीं दिया थोड़ा पेपर खराब हो गया था, कोई ऐसा हुआ था, फिर इसलिए अब आश्रय प्रयोग है आनंद गिरि जी का लिखा वहाँ उनको मिला, तो उसने इसका थोड़ा सा संशोधन ये कर लिया। यहाँ पर सप्तमी अंत अर्थ करेंगे तो आपको अच्छा अधिक अच्छा समझ में आ जाएगा, मतलब व्याकरण की दृष्टि से ठीक है ना। तीसरे चार नंबर टिप्पणी वहाँ पे बोलते हैं श्रुत्याम दर्शयंत्यम इति सप्तमी अंत साधिया, समझ में आया कि वहाँ पे जो है उनको तृतीय अंत दिखाई दे रहा है ना, तो सिर्फ और यहाँ पे पंचमी अथवा षष्ठी नहीं हो सकता क्योंकि आगे द्वंत से है श्रुत्या पंचमी श्रुत्या षष्ठी अस लगता है ना वहाँ पे, परंतु यहाँ पे वो नहीं है तो यहाँ पे तृतीय अंत है क्योंकि आगे द्वंत से है, तो वहाँ पे तो विषय को विषय रिटेन करता है अथवा आधा द्वंत से होता है ड्रॉप करने की जगह नहीं होगा, हाँ इसीलिए यहाँ पे श्रुत्याम और दर्शयंता की अन्वय करना पड़ेगा सप्तमी अर्थ लगा, मतलब दिखलाती हुई श्रुतियों में, दिखलाती हुई श्रुतियों में क्या दिखलाती है वहाँ अभाव, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे न तत्र रथ न रथ योगा न पंथा न भवति इत्यादि श्रुत्याम स्वप्ने, इस प्रकार की श्रुतियों में स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्टम आत्मा न दर्शयंता, मतलब आत्मा में स्वप्न काल में आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको दिखलाती हुई श्रुतियों में तत्र दृश्याना वहाँ पे दिखाई दे रहा है जो वस्तु रथादेना वो दृश्य वस्तु रथादि का अभाव वहाँ पे अभाव है, क्यों योग्य देश आदि अभाव द्योतक न्याय पुरुषर श्रूयते, क्योंकि वहाँ पे योग्य देश का अभाव, योग्य काल का अभाव, संवादी प्रमाण का अभाव और सपोर्टर संवादी प्रमाण का और दुष्ट आदमी की स्मृति का भी अभाव, ये आदि से सब लेंगे वहाँ रथादीनम अभाव योग्य देशादि अभाव द्योतक, मतलब वो योग्य देश आदि में नहीं है इसका प्रकाशक जो युक्ति वो पुरुषर उसको सामने रख करके सुना जाता है, श्रूयते सुना जाता है ठीक है। वहाँ पे देखिए चार नंबर टिप्पणी में पाँच नंबर में टिप्पणी दिया गया पाँच नंबर योग्य इत्यादि अत्र योग्य देश आदि अभावात्मक न्याय न्याय द्योतन पुरस्सर इति युक्तम प्रतिभाति की भारती, देखिए यहाँ पे बोलते अत्र योग्य देश आदि अभावात्मक, वहाँ पे क्या लिखा है योग्य देशादि अभाव द्योतक, मतलब उस अभावात्मक का द्योतक तो अभाव बना है उसी टिप्पणी का यहाँ पे बोलते हैं अत्र योग्य देशादि अभाव आत्मको, ठीक है ना इतना भिन्नता है पाठ में, टीकाकार के पाठ में टिप्पणी करने क्या भिन्नता है पहले वो देखिए टीकाकार क्या लिख रहा है योग्य देशादि अभाव द्योतक न्याय पुरस्सरम श्रूयते, टिप्पणीकार क्या लिख रहा है अत्र योग्य देशादि अभाव आत्मक न्याय, मतलब अभाव रूप है अभाव रूप अभाव है वो अभाव का द्योतक है प्रकाश है उसको सामने रख करके वो अभाव रूप है वहाँ पे वो वस्तु अभाव में वो अभाव वस्तु दिखाई दे रहा है वस्तु का अभाव नहीं बोय कहना चाहते वो जो दिखाई दे रहा है वो अभाव रूप है, एक छोटा सा भी शब्दों की भिन्नता के और यदि वहाँ पे नहीं है बोलेंगे तब हमको क्या जगह जगत नहीं है ये हम नहीं बोलते हैं, दिखाई दे रहा है परंतु अभाव रूप है नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए टिप्पणी कार्य यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं आत्मक इतना जोर देने से अर्थ करने से शब्द अच्छा समझ में आएगा योग्य, यही तो शिशु वेदांत की इस सूक्ष्मता को पकड़ना है आप कि क्या कहना चाहते हैं, नहीं है ये हम नहीं बोलते हैं है परंतु जैसे वो मतलब नहीं होते हुए भी है ऐसा होता है प्रतीति होते हुए, इसलिए बोलते हैं योग्य इत्यादि अत्र योग्य देशादि अभावात्मक, यहाँ पे क्या लिखा है योग्य देशादि अभाव द्योतक न्याय अभावात्मक न्याय द्योतन पुरुष वहाँ पे ये युक्त है उसको सामने रखते हुए ये यदि पाठ होता तो अधिक अच्छा समझ में आता, युक्त प्रतिभाति पाठ ये बात अधिक है या मतलब ये युक्त शब्द पाठ है ऐसा लगता है प्रतिभाति ऐसा होना चाहिए नहीं बोलते हैं ऐसा होता है क्योंकि आश्रय पुरुष का लिखा हुआ है, मैं ये बोलता हूँ कि लंबा समय तक पहले तो लिखने का व्यवस्था भी नहीं थी, लिख भी होंगे कोई कागज आदि में तो कहीं फट फूट जाते हैं, जब कैलाश आश्रम के दिन भी महाराज जी का लिखा हुआ जो पुस्तक जिसको देख करके उसको प्रिंट किया गया है उस पुस्तक से भी निकालना मुश्किल था, तो दशम पीठाधीश्वर और जो है एक जो है वहाँ पे हिमाचल के एक व्यक्ति बहुत अच्छा एक प्रकाशन को नोट मदद किया नाम इसने पुस्तक में है भूल रहा हूँ नाम को, उसको धीरे धीरे देख करके अच्छा संस्कृत जानते थे वो, हाँ हैंड राइटिंग से लेकर के टाइप करना इतना आसान बात नहीं है और आजकल जैसे कंप्यूटर टाइप यहाँ पे पहले ही नहीं था पहले तो प्रेस प्रिंटिंग था वहाँ पे धीरे धीरे करके संशोधन करते हैं, उनको लगता है कहीं पे कुछ मिस भी हो सकता है हम भी पढ़ने में टिप्पणी विशेष करते हैं, परंतु एक चीज़ ये देखिए ये मतलब मनुष्य जनरली क्या होता है कि अपना चीज़ हमारी संपत्ति हमारे पास रहे
ऐसे भावना करते हैं। परंतु कैलाश स्थापित अठम दसम पीठाधीश्वर आ करके उसने ये हमारी चीज नहीं है, वेदांत तो हमारी परंपरा से प्राप्त है, सबके लिए लाभदायक हो, इसलिए पुस्तक में प्रकाश करके और बनारस में इसका बहुत आदर है। कैलाश स्थापित प्रकाश जी को टीका जी पोने के साथ है ना, वेदांत भी बनारस में इसका बहुत आदर, क्योंकि उसने अपने पास केवल नहीं रखा, ये सबके लिए प्रकाशित किया। इसलिए वो जो श्रृंगेरी पीठ के जो वर्तमान सीनियर शंकर उनके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध, आदर करते ये हमारे लिए वरदान है, ये वरदान है, मतलब वेदांत को समझने के लिए जो हमारे परंपरागत आचार्य जी ने दे करके गया, यदि हम ठीक से उसको पकड़ लेते हैं तो आपको समझ में आसानी से आएगा। आगे देखिए तो यहाँ पे बोलते हैं, अतः तेन न्यायेन प्राप्तम एव स्वप्न दृश्य दृश्य भावानम अस्ति मिथ्यत्वम अंधपरया सुक्त प्रकाशितमिति ब्रह्मविदो वदति। ठीक है, देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, अतः इसलिए छह नंबर ठीक है, मतलब रथादि अभाव श्रवण, वहाँ पे श्रुति ने ये नहीं कहा सापनिक वस्तु मिथ्या है, ये नहीं कहते, श्रुति क्या कहती है वहाँ पे रथादि का अभाव, ये अभाव क्यों कह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके अभाव के बिना स्वप्न मतलब आत्मा की स्वयं प्रकाशता सिद्ध नहीं हो सकती, और जहाँ पे जो वस्तु नहीं है वहाँ पे जो है उसका ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान भी मिथ्या, ज्ञान भी सही नहीं हो सकता है, ज्ञान उस वस्तु का ज्ञान, ज्ञान स्वरूप का मैं नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे घर नहीं है, इस अभी मैं पूछा कि बताओ कि आपको यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, किस प्रमाण से जाना, बोला प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से घर अभाव दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, वो अनुपलब्धि प्रमाण है, परंतु ठीक है अब मान लेते हैं, चलो बोल रहे हैं कि अंदर से, इसी प्रकार से यहाँ पे श्रुति ने वहाँ पे केवल मात्र इतना कहा रथ आदि का अभाव है, सापनिक वस्तु मिथ्या ये नहीं कहा, परंतु इस अभाव जब कुछ भी वस्तु नहीं है परंतु वहाँ पर सारा वस्तु प्रकाशित हो रहा है तो वो किससे हो रहा है, आत्मा की स्वयं प्रकाशता से, और नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान सही हो सकता है क्या, इसलिए ये जो चकार दिया हुआ है अभावश्च चकार दिया हुआ है, ये चकार क्या देखा है, वस्तु का भी अभाव और वस्तु के ज्ञान के भी अभाव, यथार्थ ज्ञान नहीं है, चकार ये कहना चाहते, देखो अभी इसको बोले, अतः अर्थ मतलब रथादि अभाव श्रवणा, अतः तेन न्यायेन मतलब जो प्रचार युक्ति दिया प्राप्तम एव प्राप्त होता है स्वप्न दृश्य भावानम, स्वप्न में दिखाई दे रहा भाव वस्तुओं का अस्ति मिथ्यात्म, मिथ्यात्म अस्तु मतलब भाव वस्तुओं में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, क्यों, यद्यपि वहाँ पे अन्न पराया श्रुत्या दुष्ट मतलब स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति है, वहाँ पे श्रुति के द्वारा प्रकाशितम, ये प्रकाशित किया कौन, ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता पुरुष ये दिखाया है वहाँ पे, स्वयं प्रकाश के प्रकरण में सापनिक वस्तु मिथ्या नहीं होने पर आत्मा की स्वयं प्रकाशता सिद्ध नहीं होता, ऐस प्रकार से होते ब्रह्मवेत्ता पुरुष तो ऐसा कहते ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसा बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति स्वप्न मिथ्या बोल सकता है, आत्मा स्वयं प्रकाश है ये सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता, वो ब्रह्म आत्मज्ञानी पुरुष ही बोल सकता है, तथा च स्वप्ने भावानां मिथ्यत्वम्, स्वप्न में भाव वस्तुओं का मिथ्या है श्रुति युक्तिभ्यां सिद्धम इति अर्थ, ठीक है ना, श्रुति और युक्ति से ये सिद्ध होता है क्या, स्वप्न में जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो पारमार्थिक नहीं है, मिथ्या है, ये आपको पहले दृष्टांत को पक्का कर लिए तब जा करके फिर दृष्टांत समझ में आ जाएगा, तथा च स्वप्ने एज रिजल्ट ऑफ दैट, स्वप्ने स्वप्नों में भावानाम मिथ्या भावानाम पदार्थानाम मिथ्यात्म मिथ्यत्व धर्म बैठा है वहाँ पे, कहाँ पे भावानाम उसमें तो आप लगता है जहाँ पे लगता है ध्यान रखना उसको पहले मैक्सिमम सामने एक षष्ठी अंत प्रदाय वो धर्म त्व मतलब तस्व भावी ततलो, उसके धर्मों को दिखाने के लिए त्व प्रत्यय लगता है, मुझे दरिद्रता और मनुष्यत्व ये उसके भाव है, उसको दिखाने के जहाँ पे दिखाएंगे वो उसको जहाँ पे दरिद्रता दिखाएंगे तो दरिद्रानाम दारिद्रता, ठीक है ना, मनुष्यानाम मनुष्यत्वम इस प्रकार से प्रयोग मतलब वो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है जनरल, यहाँ पे भी भावाना मिथ्यात्म भाव वस्तुओं में मिथ्यात्व धर्म बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये युक्ति युक्तिभ्यम सिद्धम, ये श्रुति और युक्ति के द्वारा सिद्ध होता है, हेत्वांतर परत्तम श्लोकस्य दर्शयति। देखिए यहाँ तक टीकाकार अपने सिद्धांतों को बता दिया,
तो श्लोक की अर्थ अब भाष्य भाष्यकार की पंक्ति को लेकर के बोल रहे हैं कि हेत्वांतर परत्तम श्लोक से ये श्लोक सात्विक वस्तु मिथ्या है, ये एक अनदर रीजन है। ये श्लोक सात्विक वस्तु मिथ्या होने के लिए पहले जो बोल कर कहेंगे चार, उससे एडिशनल वन मोर रीजन है ना, इसको लेकर के श्रुति वाक्य के आधार पर हेत्वांतर परत्तम श्लोक से दर्शयति इतस्य, इसलिए अर्थात इतस्य मतलब इस कारण से भी, इस कारण से भी इत शब्दार्थम स्फुटयति, इस कारण से मतलब किस कारण से भी इत शब्द का अपने आप जो स्वपदानि च वर्णन्ते, भाष्य की लक्षण है अपने पद को भी व्याख्या करते हैं, इत वाच्य का पद है, इस पद अपने आप व्याख्या करते हैं किसके इजत भावाश्च एव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां श्रूयते, इस कारण से भी, क्योंकि श्रुति वाक्यों के द्वारा शाब्दिक वस्तु का अभाव है वहाँ पर ऐसा सुनाई देता है, इस कारण से भी यत, क्योंकि इतस्य का अर्थ है व्याख्यान है इसको, इसलिए इत शब्दार्थमेव स्फुटयति, इत शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करके कहते हैं भगवान भाष्यकार यत अभावश्चैव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां श्रूयते न्यायपूर्वकम्। वहाँ पर देखिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह देखिए, ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावात, ज्ञेय वस्तु नहीं है वहाँ पर तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावात, यहाँ पे जो है आपको हम नहीं जानते हैं ऐसा सभी वस्तु का यहाँ पे अभाव है, तो यहाँ पे आप कोई एक वस्तु को समझ करके उस वस्तु का ज्ञान यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों वस्तु का ही अभाव है यहाँ पे, वस्तु ज्ञेय वस्तु है तो उसका ज्ञान होना संभव है, ज्ञेय वस्तु नहीं है तो उसका ज्ञान होना संभव नहीं है। अब श्रुति वहाँ पे क्या कह दिया, न तत्व रथा न रथ योगा न पंथा न, वहाँ पे क्या हो गया रथ घोड़ा मार्ग कुछ भी नहीं है, पर वहाँ पे हमको रथ घोड़ा और मार्ग तीनों का ज्ञान हो रहा है, यानी कि वो जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान भी सही ज्ञान नहीं है। ये चकार के तरह टीकाकार बोल रहे हैं, ये मांडू को कारिकाकार इस चकार के तरह अभावश्च, वो चकार के द्वारा वो ज्ञान भी यथार्थ नहीं है ये कहना चाहते, इसलिए हमें बोलते हैं ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावात, जब ज्ञेय वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा, अर्थात ज्ञानस्य श्रुतम असत्यम, इसलिए वहाँ पे जो ज्ञान आपको हुआ ना वो ज्ञान भी आपका सही नहीं है ये बोलना चाहिए, अर्थात उससे क्या सिद्ध होता है ज्ञानस्य भी है ना, जो हमें ज्ञान हुआ श्रुतम असत्यम जो सुनाई दिया वहाँ पे उसका क्या निकला था रथा न तो योगान पथ स्टे सुनाई दिया वो भी यथार्थ नहीं है असत्यम, उसका सत्ता नहीं है वहाँ पे, सत्ता नहीं है इति वक्तु, इसको कहने के लिए इतना चीज को कहने के लिए क्या आया च शब्द, कहाँ है च शब्द कारिका में अभावश्च रथादीना, अभावश्च रथादीना, देखिए भाष्यकार के मान लीजिए कोई चीज छूट गया तो वो अपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, टीका टिप्पणी का उसको पूर्ति कर देते, लेकिन वहाँ पे चकार को ये मैं बोला ना जो अंतकाल ये चकार की इम्पोर्टेंस अधिक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे इस चकार की जो, क्योंकि हम ज्ञान को लेकर स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं होता परंतु जो ज्ञान वहाँ पे विषय रूप में हो रहा है वो वास्तविक को ज्ञान दर्शाते गए, आप इसको घटाएंगे कहाँ पे, हाँ जब हमको जागृत काल में ये जो वस्तु दिखाई दे रहा है, श्रुति क्या बोलती है कि सर्वम खविदम ब्रह्म आत्मय वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम, मतलब हम पे क्या दिखाई दे रहा है कि पंचभूते पांच भौतिक वेदम सर्वम, तो क्या होगा ये जो ज्ञान इस, क्योंकि हम माया निद्रा में सोए हुए हैं, हम माया निद्रा में सोए हुए हैं, माया निद्रा में सोकर के स्वप्न देख रहे हैं फल तो वस्तु सत्य लगता है परंतु ज्ञान भी पारमार्थिक है, जैसे आप माया निद्रा से जगेंगे सर्वम खलिदम ब्रह्म है ना, एकदम सर्वम ज्यादा महात्मा ही होगा पुरुष एव एकदम विश्व में साथ हो गया जैसे जगेंगे, तो इसलिए हमें बोलते हैं कि इतना शब्द से अर्थम स्फोट है यति यत यति, ज्ञेय अभाव ज्ञान अभावात अर्थात ज्ञानस्य भी आर्थिक अर्थ से आता है, ज्ञानस्य भी श्रुतम असत्यम, वहाँ जो ज्ञान हुआ आपका वो भी पारमार्थिक नहीं है, इति वक्तु इसको दिखाने के लिए इसको कहने के लिए कारिका वहाँ पे अभाव के साथ एक चकार जोड़ दिया अभावस्य रथादीनाम श्रूयते न तो तत्र इत्याद्यायाम श्रुतो इति संबंध श्रूयते इति न तत्र रथ, कहाँ पर सुनाई दिया ये वहाँ पर ना श्रुत्याम, तो कौन सा श्रुति है न तत्सूयते न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा ना भी नहीं है वो, परंतु उसका ज्ञान हो रहा है आपका, यहाँ पे जो है ना न तत्र ये कोटेशन है न तत्र इत्याद्यायाम श्रुतौ इत्यादि श्रुतियों में, वहाँ पे पूरा मंत्र जो है पूरा सूयते कहाँ सुनाई देता है आपको न तत्र रथा न रथ योगा न पंथ इस श्रुति में, इसलिए बोलते हैं न तत्र इत्याद्यायाम इस प्रकार की श्रुतौ इस प्रकार की श्रुति वाक्यों में यदि संबंध ऐसा अन्वय होगा।
न्यायपूर्वकम इति व्याचष्टे। अब जो भाष्यकार बोला स्तूयते न्यायपूर्वकम, न्यायपूर्वक युक्ति के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। श्रुति स्मृति अनुभव युक्ति सब आता है सापनिक वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, इसलिए हमें बोलते हैं युक्ति तो न्यायपूर्वकम इति व्याचष्टे। पहले बोला था इतश्च का व्याख्यान हो गया जातो, अब फिर आपने बोला न्यायपूर्वकम, उस न्यायपूर्वकम की व्याख्या युक्ति तो मतलब युक्ति के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। ये युक्ति क्या है? योग्य देशादि अभाव युक्ति है ना, युक्ति क्या है? योग्य देश का अभाव, योग्य काल के अभाव, संवादी प्रमाण के अभाव, और कि किसी आपके कोई दूसरे आदमी के स्मृति के अभाव, दूसरे आदमी के स्मृति का देश के साथ आपने मिला था उसको भी स्मरण में नहीं। संवादी प्रमाण मतलब हमने जिसको कहा उसको पुष्ट करने के लिए हो गया संवादी प्रमाण, उसका विपरीत प्रमाण हो तो क्या होता है विसंवादी प्रमाण। ये हमारे इसमें क्या बोलते हैं वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा स्पष्ट करके कहा यदि विसंवादी प्रमाण है तब आप समझना कि एक उसमें से मिथ्या है। विसंवादी प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जागतिक वस्तु सत्य दिखाई पड़ता है, श्रुति प्रमाण क्या कहता है जागतिक वस्तु मिथ्या है, तो क्या हो जाएगा दो प्रमाण में विरोध हो गया। दो प्रमाण में दोनों प्रमाण की मान्यता आती है, दो प्रमाण में यदि विसंवादी है तब उसमें क्या मानना पड़ेगा एक प्रमाण में कहीं पर कोई कमी है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण बलवान है अथवा आगम प्रमाण बलवान है, शरीर यदि मत आगम को अधिक बलवान देखिए अपौरुष होने के कारण प्रत्यक्ष पौरुष है और आगम प्रमाण अपौरुष है, वेद वाली सिद्ध मत हमारे जो आस्तिक दर्शन तो फल तो क्या हो जाएगा उसमें का आगम प्रमाण तो श्रुति प्रमाण को बलवान माना जाएगा प्रत्यक्ष न्यायपूर्वक मिति व्यतिष्ट यज्ञ देशादि अभाव युक्ति तरी न्याय सिद्ध अर्थे किम अन्न पर्या श्रुत्य क्रिया के तत्र आह। जब ज्योतिष के द्वारा वस्तु सिद्ध हो जाता है तो इस प्रकार स्वयं ज्योतिष के प्रकाशन बातों के यहाँ पे लाने से क्या लाभ हुआ ठीक है ना। तरी तब तो न्याय सिद्ध अर्थ मतलब ज्योति के द्वारा सिद्ध हो गया जो विषय किम अन्न पराया श्रुत्या मतलब स्वयं ज्योतिष तो श्रुति को बोध कराने वाला श्रुति वाक्यों के द्वारा यहाँ पे क्यों लाया गया है क्यों लाया जाता है तत्र अहसे उत्तर में कहते हैं तेन अंतस्थान समृतत्वादि हेतुना प्राप्त वैतत्व तद अनुवादी न श्रुति। ये जो युक्ति के द्वारा जो प्राप्त होता है उसका अनुवाद करने वाली श्रुति है, ये अनुवादिनी श्रुति है अनुवाद करती हुई है ना। मतलब आप अनुवाद क्यों करते हैं देखो अनुवाद करने का भी एक लाभ है। एक व्यक्ति एक जगह पर सर्प को देख कर कहते हैं चोर को देख करके डर के मारे भाग रहा है, चोर 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 अथवा सर्प 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 ऐसे करके बोलते हैं। कोई व्यक्ति जानता है कि वहाँ पे चोर भी नहीं है सर्प भी नहीं है तो उसको पहले उसको हाँ हाँ रुको 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 ठीक है कोई बात नहीं वहाँ पे सर्प है पर भाग क्यों रहे हो सर्प तुम्हारे पीछे तो नहीं भागते तुम भाग क्यों रहे हो तो उसका हाँ तुम सही बोल रहे हो पर तुम भाग क्यों रहे हो क्या सर्प अथवा चोर तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम भाग रहे हो। तो पहले उस व्यक्ति का अंदर थोड़ा मसला बुलंद करने के लिए थोड़ा सा उसको ढांढस बढ़ाने के लिए क्या करता है पहले वो जो कह रहा है उसको अनुमत कर देते हैं ताकि वो व्यक्ति आपका बात सुनकर के रुके फिर हम वहाँ पे उसको समझाते हैं क्योंकि तुम दौड़ रहे हो ना वहाँ पे वास्तविक दर्जो होते हैं सर्प कुछ नहीं है वहाँ पे सर्प अथवा आपका चोर नहीं है वहाँ पे तो आप तो दिखाई दे रहे बोलते हमको अपने आप देखो चलो कोई बात नहीं हम देख करके आते हैं। ये गुरु का काम कि चलो हम देख करके आते हैं जो वो जो जागतिक वस्तु को देख करके दुखी हो रहा है डरता है इसे भागना चाहता है होता भाग। वेदांत ने बोला कि वेदांत की सबसे बड़ी सुंदरता है कि आपको नया कुछ करने के लिए नहीं बोलते हैं आपको केवल इतना ही बोलते हैं तुम्हारे दृष्टिकोण को थोड़ा घुमाए देखने की शैली को थोड़ा बदलो बस जीवन आसानी से बीत जाए। यहाँ पे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि श्रुति की एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपाद्य भाग है। ये देखिए जितने बार इंद्र प्रजापति के साथ घूम घूम के वापस आया एवं ये था मघमन एतम तु एवं ते भूय अनुव्याख्या स्वामी ये तुमने जो बोल रहे ना हाँ बात ऐसे ही है एवं एव एतद मघमन ये जो तुमने बोला ये सही है कि उनने पहले बोल दिया शक्षिणी पुरुष दृश्य थे छायात्मा समझ लिया था तो छायात्मा आत्मा कैसे हो सकते विचार करते करते आया वापस आया फिर तब बोलते छायात्मा था ठीक बोला तुमने छायात्मा आत्मा नहीं हो सकते परंतु तुम और 32 साल बैठो फिर तुमको फिर उसको क्या बोला कि स्वप्निक स्वाप्निक पुरुष का दर्शन दिया फिर जो देखा स्वप्न में तो हम सुखी दुखी होते हैं ये तो स्वप्निक पुरुष आत्मा नहीं हो सकता तो फिर आया घूम करके एवं तदमक ठीक बोल रहे थे और 32 साल बैठे। देखिए हर बार जो है गुरु क्या करते वो जो बोल रहे हैं उसको अनुमत करते हैं और फिर क्या बोलते हैं जो मैं तुमको कहा उसी को ही बोलूंगा नया कुछ नहीं बोलूंगा। एतद एव ते अनुव्याख्या स्वामी जो मैंने कहा उसी को ही मैं तुमको दोबारा बताऊंगा अनुव्याख्या स्वामी नया चीज नहीं बताऊंगा। फिर भी वो बैठते हैं
तब जाकर के समझ में आता है। यानी कि अनुवादी श्रुति को उपयोगिता है, अनुवादी श्रुति को उपयोगिता है क्या है कि साधन के मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर पहले मिल जाए, पहले डर निकाल देते हैं। तो जो तुमने जो कह रहे हो ये बात पूरा सही नहीं है, ये बात पूरा सही नहीं है, कितना हिस्सा सही है वो आगे भी जा करके बोलते से बोलते हैं। तब अनुवादी ने श्रुति के द्वारा स्वप्न स्वयं ज्योतिषम प्रतिपादन पर है, उस श्रुति क्या करते हैं स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योतिष उसको लेकर के देखिए टीकाकार लिख रहे हैं। अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम, वहाँ पे जो आया हमारा तीन अंत स्थान समझ, अंत मतलब क्या हो जाएगा शरीर के मध्य में, शरीर भी नहीं कमरे के नहीं शरीर के मध्य में, और वो कहाँ पे है वो नाड़ी के तरह लक्षित होता है, नाड़ी के तरह उस स्थान में वो वस्तु दिखाई पड़ता है, वहाँ पे वो दिखाई पड़ता है। मैं बताया था कि उसको स्पष्ट कर दिखा रहा हूँ कैसे, मतलब जी जब आपने अक्षी गोलक आदि इंद्रिय गोलक में बैठ करके वो व्यवहार करता है, दक्षिण अक्षी मुख्य विषम बोल इंद्रिय, और वो जब सुषुप्ति के लिए सोना चाहता है तब कहता है वो इंद्रियों से अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इंद्रिय गोलक से ले करके और हृदय आकाश तक जाने के लिए, क्योंकि शतम से कम हृदय जनाटम राशम मूर्धन अभिनिष्ठित का 101 मुख्य नाड़ी है, हृदय देश से निकलते हैं, और प्रत्येक नाड़ी का जो है 100-100 शाखा नाड़ी है, और प्रत्येक शाखा नाड़ी का 72,000 करके उपशाखा नाड़ी है, इस प्रकार से 72,72,20,000 201 नाड़ियाँ पूरा शरीर को उठा हुआ है, प्रश्न पूर्ण स्पष्ट करके बताए। तो इन जिस नाड़ियों के बीच के माध्यम से ये जीव यहाँ से हृदय आकाश तक जाता है, वो इस यहाँ पे बैठ करके इंद्रियों के माध्यम से बैठ करके जो भी कुछ आहरण किया, जो भी आहरियत है इतनी आहार करवाती आहार में, उसकी जो परिणत अवस्था है वो परिणत अवस्था सात्विक राजसिक तामसिक रूप में स्पर्श के साथ मिला हुआ रहता है, और वो रंग से बताया इसको, और वो जाते समय उसके साथ उसका कांटेक्ट होता है, तब तक उसका मतलब वही वासना रूप में अभिव्यक्त जो आपने देखा जागृत में, कोई वस्तु को आपने देखा आपको बहुत अच्छा लगा उसको चिंतन करते रहे सुनते समय उसको सब देखे, ठीक है नहीं, वो जो आपकी वासना है वो वहाँ पे नाड़ियों के अंदर रस के मत में विद्यमान है, और उसके साथ संस्पर्श होने के कारण वो सपना देखते हैं, जैसे वो खुला आकाश में आ जाता है हृदय आकाश में आ जाता है सबका। तो इसी को यहाँ पे बोलते हैं स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन पर प्रकाश कर, यहाँ पे कहाँ देखते हैं अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम, नाड़ी के तरह लक्षित होता है, तत्र अति सूक्ष्म संवृतत्वेन संकुचितत्वेन अवस्थानम पर्वतादीन उपलब्धते, वहाँ पे मतलब जहाँ पे जो नहीं है वहाँ पे उपलब्धि होता है, तत्र मतलब नाड़ीषु अति सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है भैया, संवृतत्वेन मतलब अत्यंत संकुचित स्थान बन गया, इसका अर्थ कर संकुचितत्वेन संवृतत्वेन के अर्थ कर दिया संकुचितत्वेन अवस्थान वहाँ पे विद्यमान होता है, किसका पर्वतादीन वहाँ पे विद्यमान होते हुए दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो अनुचित देश है, इसीलिए वहाँ पे उसका मिथ्या कहते हैं। 4 नंबर टिप्पणी में लिखा अनेन दृश्यत्वस्य वैतत्व व्यक्तत्व मुक्तम भवति, संकुचितत्वेन स्व अयोग्य देश वृत्तित्वेन इति अर्थ, संकुच मतलब जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वहाँ पे दिखाई दे रहा है, संकुचितत्वेन स्व अयोग्य देश वृत्तित्वेन इति अर्थ, उसका अर्थ स्पष्ट व्यक्त है, नहीं पर्वतादीनां संकोच संभवति इति भाव, ये नहीं हो सकता है कि जैसे इलास्टिक को आपने खींचा तो बड़ा हो गया, छोड़ दिया तो छोटा हो जाएगा, तो ऐसे यदि हम कहें क्या कहें कि पर्वत संकुचित होकर के नाड़ी के अंदर घुस गए, ऐसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा होना संभव नहीं है, यानी इसलिए हमें बोलते हैं कि संकुचित स्व अयोग्य देश वृत्ति अपने को जहाँ पे होना संभव नहीं है उस देश में उसका विद्यमानता होने के कारण है। कोई कहता है नहीं नहीं पर्वत नाम संकुचित हो गया, बोलते ऐसे नहीं कहा जा सकता, नहीं पर्वतादि नाम संकोच संभवती भाव, इसके अंदर भाव उपलब्ध ततश्च उचित देश अभाव योग्य काल अभावश्च इत्यादि न, इसके फलस्वरूप क्या होते हैं बोलते हैं उचित देश के अभाव, उचित काल के अभाव, संवादी प्रमाण के अभाव, और फिर भी कुछ आदमी की स्मृति के अभाव, इस चारों कारण से उचित देश आदि अभाव योग्य काल अभावश्च इत्यादि न प्रागुक्ते न हेतु न, जो पहले दो श्लोक के माध्यम से दिखा करके आया उसी कारण से प्राप्तम स्वप्न दृश्यानाम भावानाम वैतत्वम, ये प्राप्त होता है स्वप्न में दिखाई दिया वस्तुओं का मिथ्यात्व है वहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है। तद एव अनुवादिन्य अश्रुत्या, उसी को ही युक्ति से जो युक्ति से अनुभव से
और सिद्ध हो जाता है उसी को यदि श्रुति कहें तो अनुवाद श्रुति होती है। तदेव उसी को ही अतः अनुवादिन न उसको अनुवादन करने अनुवाद करने वाला श्रुत्या भी प्रकाशित हो श्रुति के द्वारा भी प्रकाशित किया गया इति आहु इस प्रकार से कहते हैं। कौन कहते हैं ब्रह्मविद वो शाब्दिक वस्तु को मिथ्या कहना उसका अभिप्राय नहीं है। शाब्दिक वस्तु को मिथ्या तो सभी व्यक्ति जान लिया अन्य प्रमाण से पर आत्मा की स्वयं प्रकाशता को ब्रह्मविद पुरुष कहते हैं। पांच नंबर टिप्पणी में देखिए तदेव इत्यादि तद्वत्तया प्रतियमाने तद अभाव बोधना इति भाव देखिए तद्वत्तया मतलब वहाँ पे उस स्थान में नारी के उस स्थान वाला होकर के दिखाई देने पर भी वहाँ उसका अभाव हो जाता है। तद्वत्तया प्रतियमाने उस स्थान वाला होकर के प्रतीति होने पर भी तद अभाव बोधना परंतु वहाँ उसका अभाव है। ये जो है हमारा अनुभव भी है और ज्ञानी पुरुष भी शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं बोधन होने के कारण क्या होता है शाब्दिक वस्तु मिथ है ऐसा शुरू होता है समय समुद्रे कारुण्या दुग्धधारा मृत गमितं ममरै दूर